जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। तो यहाँ पर मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएड में जो इंग्लिश टीचिंग है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हर बार आपको जो दो यूनिट्स हैं उसमें से एक यूनिट में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन स्कूल करिकुलम डिस्कस। दैट मीन्स कि जो आपके स्कूल करिकुलम है उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर हम उसकी पूरी कंप्लीट आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें आंसर को फ्रेम करना है कि हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ, इसके साथ ही आंसर में क्या क्या कंटेंट हमको डालना है, इन सभी चीज़ों के साथ ही पूरा कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की इस प्रकार की कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में तो आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर, तो देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके द्वारा बनाया गया एक मास्टर आंसर, जैसे हमने और भी क्वेश्चंस कराए हैं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ उसके हिस्ट्री इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप दे देंगे तो उतना काफ़ी है। उसके बाद आप एस्पेक्ट्स पे आएंगे तो एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ना जो मेजर है, वैसे तो दो कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें से चार जो फोर फोल्ड कमांड्स होते हैं उनको भी एस्पेक्ट्स के अंदर रखा जाता है। तो बहुत सारे राइटर्स की बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो आप उसको भी अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने चार एस्पेक्ट्स लिए हैं। अब इनको लर्न करना एक बड़ी बात होती है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारे लर्नर्स को होती है कि हम कैसे लर्न करें मैम, ईजी क्या है। तो ईजी ये है कि सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप सिर्फ ये याद रखिए एल एस आर और डब्ल्यू, ये जो चार चीज़ें हैं ना ये आपके क्या हैं, लैंग्वेज के स्किल्स हैं, कौशल हैं। एल एस आर डब्ल्यू, एल क्या है लैंग्वेज, एस क्या है आपका जो आप बोलते हैं स्पीक राइट रीडिंग एंड देन राइटिंग, तो क्या है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। दो से चार बार आप बोलिए लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो आपके चार लैंग्वेज के स्किल्स हैं इन स्किल्स को सबसे पहले आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब बाकी जो आप एस्पेक्ट्स को याद करेंगे इन्हीं लैंग्वेज के आधार पे याद करेंगे ताकि आप न तो गलत करेंगे और आपको ये लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे। ये रिलेशन जो है हम जैसे कोरिलेट करके जिसे याद करना कहते हैं ये वो तरीका होता है जो बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो पहला एस्पेक्ट है सिमेंटिक एस्पेक्ट। पहला एस्पेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे सिमेंटिक एस्पेक्ट, यही जो आपका सिमेंटिक एस्पेक्ट है ये दिखाता है लिसनिंग को कि बच्चा जो है जब वो बचपन में आता है तो सबसे पहले हमें उसके अंदर जो है क्या करना है, सुनने की क्षमता का विकास करना होता है। तो सिमेंटिक एस्पेक्ट क्या शो करता है, लिसनिंग को शो करता है। यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से ड्रॉ किया है, आप इसको पैराग्राफ में चाहें या पॉइंट में भी चाहें कि चार आपने जैसे हेडिंग बना दी ना ऐसे करके कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अगर आप हेडिंग करके भी लिखना चाहते हैं तो आप वैसे इसको राइट कर सकते हैं, और अगर आप पैराग्राफ में चाहें बट ज़्यादा अच्छा है कि आप या तो पॉइंट में करें या जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ड्रॉ करके कुछ कुछ यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। तो लिसनिंग को कौन दिखाता है, सिमेंटिक एस्पेक्ट। फिर सेकंड है आपका स्पीकिंग, तो मैंने इसको लिखा भी इसीलिए उसी ऑर्डर में है, फोनेटिक एस्पेक्ट। फोन का मतलब हमेशा होता है साउंड से, कहीं भी फोनेटिक का है फोनेटिक का मतलब ऑलवेज क्या होगा, साउंड होगा। तो जो फोनेटिक एस्पेक्ट है वो किसको डिनोट करेगा, स्पीकिंग को, बोलने को डिनोट करेगा। थर्ड है आपका फोनेटिक कम ग्राफिक, अब जो फोनेटिक कम ग्राफिक है वो आपके रीडिंग को दिखाएगा क्योंकि रीडिंग आप कोई भी चीज़ तभी कर सकते हैं जब आप उसको पढ़ पा रहे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं तभी आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो फोनेटिक कम ग्राफिक में आपका आ जाएगा रीडिंग और लास्ट में है राइटिंग। तो ग्राफिक जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप फ़ोन सुने, फ़ोन का मतलब साउंड, तो वो स्पीकिंग से है, ठीक वैसे जब भी आप ग्राफिक सुने, ग्राफिक दैट मीन्स ग्राफिकल याद रखिए मतलब राइटिंग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है आपका ये, राइटिंग से संबंधित। क्लियर, तो हमने कौन कौन सी चार चीज़ें पढ़ी, साथ में बोलिए कौन कौन सी हैं आपकी, तो वो चार हैं, सबसे पहले एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, तो आंख बंद करिए एस्पेक्ट्स को और एज्यूम करिए, लिसनिंग के साथ आपका सिमेंटिक हो जाएगा, सिमेंटिक के बाद आपका फोनेटिक जो हो जाएगा आपका स्पीकिंग पे, फिर उसके बाद फोनेटिक कम ग्राफिक जो कि आपका रीडिंग पे है, फिर लास्ट में ग्राफिक जो कि राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले तो ये चार एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप
एक कोटेशन डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, पी गुरे का ये कोटेशन है जिसमें उन्होंने बताया है कि जैसे इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है, मैं इसका मतलब आपको बता रही हूँ, मैं पढ़कर भी बता दूंगी, जहाँ पर इंग्लिश को पढ़ाया जाता है सेकेंड लैंग्वेज को तौर पर, तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाएँ या फिर उसको समझें, इंग्लिश को समझना और उसको राइट करना, और अगर कोई ऐसी लैंग्वेज को वो सुन रहे हैं जो इंग्लिश में है उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सिर्फ वो इजी इंग्लिश के चीज़ों को समझ पा रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इट इज़ नेसेसरी दैट द इंडियन पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, सिर्फ वो इंग्लिश को समझे ना व्हेन इट इज़ स्पोकन और रिटन, कि अगर लिखा है, जैसे लिखा है तो हमें से बहुत सारे लर्नर्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग जैसे हम पढ़ ले रहे हैं, बोल ले रहे हैं, बट ऑल्सो ही शुड हिमसेल्फ बी एबल टू स्पीक एंड राइट इट, बल्कि वो खुद से भी उसको प्रोडक्टिव मोड, यहाँ पे जो इनका मेन जिस्ट है वो क्या है कि वो उसको प्रोडक्टिव मोड में लाएं, खुद से भी वो कुछ नया बोल सकें जो उनके मन में विचार हैं और उसको राइट भी कर सकें। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज का प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हैं, पैसिव एज वेल एज एक्टिव कमांड इज नीडेड। ये पैसिव और एक्टिव कमांड क्या है, इसको हम आगे देखेंगे कि पैसिव और एक्टिव दोनों कमांड्स वहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो या सारी चीज़ें हैं वो उसका सही तरीके से होना चाहिए, कि जब विचारों की अभिव्यक्ति वो उस लैंग्वेज में करता है, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी हमारी अगर मदर टंग है, मातृभाषा है, तो उस मातृभाषा में हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं और अभिव्यक्त कर पाते हैं कि भाई मेरे दिल में ये बात है, मेरे मन में ये बात है। बट अगर यही चीज़ हमें इंग्लिश में या कोई दूसरी लैंग्वेज में करनी हो तो शायद हम उतने कम्फर्टेबल ना हो, और अगर हम करेंगे भी तो उतनी प्योरिटी के साथ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ की ये बात करते हैं, कौन, पी गुरे, तो ये कोटेशन है जो आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, There are four basic aspects of language that had been studied. कि यहाँ पे चार basic aspects हैं language के बताए गए हैं जिसको कि study किया जाता है। ये भी बहुत सारे उसमें दिया गया, जैसे अभी आपने जो पढ़ा LSRW के अंदर, जो आपने पढ़ा semantic, phonetic, phonetic cum graphic और आपका एक last जो graphic था, उसके अलावा ये चार aspect भी ऐसे हैं जो बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो चार हैं कौन कौन से हैं, तो ये चार मेन हैं जो आप आगे भी अगर आप पढ़ते हैं बीएड के बाद, कोई किसी और भी पेपर में अगर आप देख रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आगे अगर आप सीटेट, यूपीटेट, केवीएसडी, ट्रिपल एसबीबी कोई भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको यही चार देखने को मिलेगा। एक आ जाएगा आपका फोनीम, मॉर्फीम और सिमेंटिक्स और सिंटेक्स। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि कुछ कुछ उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर इधर उधर हो जाता है। पहला है फोनोलॉजी, फोनोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे फोनोलॉजी क्या होती है, फोनीम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है। फिर आएंगे हम सिंटेक्स, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ये सिर्फ एक लाइन का मतलब है जिसको आप समझ लेंगे तो आप हमेशा जो है आप कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। बट फोनोलॉजी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपका बेसिक है जो आगे भी आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछेगा। आप चाहे MA इंग्लिश में भी कभी कभी पूछता है जो PG लेवल का है कि मॉर्फीम का मतलब क्या होता है, फोनीम का मतलब क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारी हो। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके, अब देखिए अब आते हैं बात फोनोलॉजी पे। फोनोलॉजी क्या होती है, तो स्टडी ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज। अब बहुत सारे बच्चे जो है सोच रहे होंगे कि साउंड ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो आपको पता है जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारी हर एक एक, चाहे हम कोई भी जो है वोवेल बोलें या कॉन्सोनेंट्स बोलें, उसमें एक खुद का उसका एक साउंड होता है, जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे A B C H, उसका एक साउंड होता है। जो वो साउंड की स्टडी होती है ना, अध्ययन होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं, फोनोलॉजी या फोनोलॉजी जो भी आप प्रोनाउंस करें तो उसको बोलते हैं हम फोनोलॉजी। अब अगर हम बात करें फोनीम की, जैसे फोनोलॉजी है वैसे ही फोनीम आ गया। फोनीम उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे पूरा का पूरा अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो वो फोनोलॉजी कहला रही है, और जब उस अध्ययन का हम क्या करें, सबसे जो उसकी बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाती है, फोनीम होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज मतलब जो हमारी लैंग्वेज है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट विच डिस्टिंग्विशेस मीनिंग, जो कि किसको डिस्टिंग्विश करती है, मीनिंग को बताती है, मीनिंग को डिस्टिंग्विश करती है। अभी हम इसको और समझते हैं, देखिए द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ फोनोलॉजी इज टर्म्ड एज फोनीम, मतलब पूरे के पूरा ऑर्गेनाइजेशन है फोनोलॉजी का, उसको हम टर्म्ड करते हैं फोनीम, उसका जो एक एक पार्ट है उसको क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। फोनीम को हमेशा दिखाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, वो भी कौन से ब्रैकेट का, स्लैश ब्रैकेट का, हमेशा याद रखिएगा।
तो कौन सा यहाँ आपको दिख रहा है, स्लैश ब्रैकेट जो होता है, स्लैश ब्रैकेट का यूज़ हमेशा हम करते हैं फोनीम को शो करने के लिए, दोनों चाहे वोवल्स हों चाहे कॉन्सोनेंट्स हों, फोनीम दोनों होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सोनेंट्स हैं या वोवल्स हैं, तो ये पॉइंट को आप याद रखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और वोवल्स दोनों फोनीम्स हो सकते हैं। टू बेसिक यूनिट आर सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट। दो बेसिक यूनिट होती है, या आप कह सकते हैं कि सेंट्रल यूनिट होती है, जो कि क्या करती है, लैंग्वेज के स्टडी और उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो यूनिट क्या होती है आपकी, दो, एक मॉर्फीम और एक फोनीम। क्या होती है, एक मॉर्फीम और एक फोनीम। याद रखिएगा, फोनीम आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो साउंड है ना, स्टडी ऑफ साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज में जो साउंड की स्टडी है वो फोनीम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फोनीम का संबंध हमेशा साउंड से होता है, जबकि मॉर्फीम का मतलब मीनिंग से होता है, हमेशा एसोसिएट करने के लिए। फोन, जैसे फोन बजता है तो साउंड होता है, तो फोन को साउंड के साथ और मॉर्फीम को मीनिंग के साथ। तो फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड की, ठीक। फोनीम और मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, जिसका आप कोई मतलब निकाल सकें ना, जैसे च फ, इसका कोई मतलब है नहीं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जो कि अपने साथ कोई मीनिंग को कैरी किए हुए है, उसको मॉर्फीम कहते हैं। अभी हम और डिटेल में इसको समझते हैं। अब देखिए, फोनीम अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से हम सभी जानते हैं कि 5 वोवल्स होते हैं, बचे हुए आपके 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, होते हैं। तो ये बहुत आपको जान के आपको याद भी रखना है इस चीज़ को, और एग्ज़ाम में राइट भी करना है, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिए। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवल्स कैन प्रोड्यूस 20 साउंड्स, 20 वोवल्स फोनीम हैं। दैट मींस कि 5 वोवल मिलकर के कितने तरीके के साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 तरीके का, जबकि 21 कॉन्सोनेंट्स मिलकर सिर्फ और सिर्फ 24 तरीके के साउंड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं। मतलब क्या है कि जो हम पढ़ते ना ए ई आई ओ यू, अगर लिखा सेम है केमिस्ट्री और चेरी, तो वहाँ पे चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे के पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंस है, क्योंकि ए ई जो ई है वो वोवल साउंड है, तो हर जगह आर्टिकुलेशन जो उसका निकलने का साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका है वो अलग अलग हो जाता है। तो आपको यही याद रखना है यहाँ पर अभी के लिए कि 5 वोवल्स जो है 20 वोवल फोनीम्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 21 कॉन्सोनेंट्स कैन मेक 24 कॉन्सोनेंट्स फोनीम। ये आपको आंसर में राइट करना है। मॉर्फीम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है किसी भी लैंग्वेज की, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड टू कैरी मीनिंग, जो अपने साथ कोई मीनिंग ले आए। इसको ईजी समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले। क्या लिखा है, प्ले। प्ले को आप तोड़ नहीं सकते, अगर आप पी एल ए वाई अलग अलग करते उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग सबसे छोटा क्या है, प्ले। अब इस प्ले में मैंने एस लगा दिया, ई डी लगा दिया, आई एन जी लगा दिया, ई आर लगा दिया, मतलब अलग हो गए। आपको दिख रहा है, प्लेज, प्लेड, प्लेयर, प्लेइंग, सबका मतलब अलग अलग हो गया। तो ये क्या है, जो आपका एस ई डी ई आर आई एन जी, यही आपका मॉर्फीम होता है। क्या होता है, मॉर्फीम, जिसके लगने के बाद उसका जो मतलब है वो बदल जाता है। अब ये जो मॉर्फीम होता है ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बाउंड मॉर्फीम जो कि बंधे हुए होते हैं, जिसमें हम रूट जो उसका होता है, और जो एफिक्स, एफिक्स में सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों आ जाते हैं, वो होता है। दूसरा है फ्री मॉर्फीम, जिसको कि आप वर्ड्स के मीनिंग को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब उसको और तोड़ नहीं सकते। अगर वो बाउंड है, बंधा हुआ है, तो आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर वो फ्री मॉर्फीम है तो आप उसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, इन दोनों के भी दो दो पार्ट्स है, जैसा कि आपको दिख रहा है। बाउंड में एफिक्स हो गया, रूट हो गया, ये दो, इसके इसको सेपरेट हम कर सकते। जैसे अनहैप्पी, तो अन प्लस हैप्पी कर दिया हमने, हो गया, क्योंकि हैप्पी का अलग मतलब हो गया और अन लग गया तो वो मतलब सैड का हो गया। फ्री मॉर्फीम भी दो तरीके का, ओपन क्लास एंड क्लोज्ड क्लास। इसमें सिंगल मीनिंगफुल वर्ड होते हैं जिसको हम और सेपरेट या अलग तोड़कर नहीं देख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है, हमने पहला अपना कर लिया, अब बात आती है सिंटैक्स की। जब हम बात करते हैं सिंटैक्स की, तो हमेशा सिंटैक्स को याद रखिए कि यहाँ पे ग्रामर की बात की जाती है, सेट ऑफ ग्रामर रूल्स, जहाँ पे ग्रामर की बात की जा रही है। सिंटैक्स इज़ द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो सिंटैक्स क्या है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है ना, कि कब सब्जेक्ट लगेगा, कब वर्ब लगेगा, कब ऑब्जेक्ट लगेगा, ये चीज़ आपकी सिंटैक्स होती है। वर्ड्स को, जो सेंटेंसेस हैं, उनको सिंटेक्टली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में ये आपसे पूछता है, ध्यान से इसको समझिए। ठीक, कि
वर्ड्स सिंटेक्टली करेक्ट है या नहीं, या अभी आगे हम सिमेंटिक्स जो पढ़ेंगे सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं, तो अभी इसको यहीं पर समझिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो देखिए सिंटेक्स क्या होता है, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन द लैंग्वेज। वही जो मैंने आपको बात कही ना कि सिस्टम ऑफ रूल्स, जो रूल की जो बात होती है वही यहाँ पर कह रहा है कि सिस्टम ऑफ जो रूल है ना उसकी बात। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे हमने लगा दिया, जैसे प्ले लिखा है, पहले मैंने बनाया ही प्ले क्रिकेट या ही प्लेस क्रिकेट, अब मुझे उसको पास्ट में बनाना है तो मुझे एस को हटा करके ईडी जोड़ना पड़ेगा, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक, तो जो मैंने ईडी लास्ट में जोड़ा तो वो क्या हुआ, तब तो वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट हुआ ना, क्योंकि अब मैंने उसके वर्ब को और जो उसका सब्जेक्ट है वर्ब का हमने सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया, ईडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, तभी तो वो सही हुआ। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में था। तो क्या है कि जहाँ पे ग्रामर के रूल्स को हम प्रॉपरली कि सब्जेक्ट भाई सही जगह है कि नहीं, ऑब्जेक्ट सही जगह है कि नहीं, वर्ब सही जगह लगा है कि नहीं, तब देखते हैं, तब वो सिंटेक्स होता है। क्लियर? सिंटेक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक जनरेटिव और एक आपके डिस्क्रिप्टिव सिंटेक्स। बहुत आंसर अगर आपका लेंदी जा रहा है तो आप सिर्फ टाइप देकर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जनरेटिव में वही जो नॉम चॉम्स्की, इसके बहुत बड़े समर्थक हैं, आप कह सकते हैं इसको देने वाले भी यही हैं नॉम चॉम्स्की जनरेटिव सिंटेक्स को। डिस्क्रिप्टिव सिंटेक्स को दूसरे साइंटिस्ट ने दिया है, नॉम चॉम्स्की जो है इन्होंने जनरेटिव सिंटेक्स की बात की कि खुद से जनरेट होने वाला जो होता है, कभी कभी हमको खुद लगता है ना जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस ही गलत है, तो वो जनरेटिव होता है कि जो हमारे अंदर से खुद से जो है जनरेट होकर के आता है। सिंटेक्स इज ऑल अबाउट the order of a sentence। अगर हम एक लाइन में कहें तो सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, सिंटेक्स इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को किस ऑर्डर में लिखा गया है वो उसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है। अब हम देखेंगे सिमेंटिक्स क्या होती है। तो देखिए जब हम बात करते हैं सिमेंटिक्स की, अभी हमने सिंटेक्स को कवर किया, तो सिंटेक्स में हमने ग्रामर की बात की, ऑर्डर की बात करी, अब सिमेंटिक का मतलब मीनिंग से है, हमेशा याद रखिए, किससे मतलब है, मीनिंग। सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। जब हम किसी शब्द के अर्थ को समझते हैं या उसके फ्रेजेस के अर्थ को, मतलब को निकालते हैं, तो वो सिमेंटिक होता है। सेंटेंस का सिमेंटिकली करेक्ट और सिंटेक्सिकली करेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, ये आपका एग्जाम्पल है, तो आप खुद सोचिए क्या कोई व्यक्ति एक्सपायर्ड होता है, एक्सपायरी तो हम सामान की रखते हैं ना, ऑब्जेक्ट एक्सपायर होता है, कोई पर्सन तो एक्सपायर होता नहीं है, उसकी डेथ होती है। ठीक, या वो नो मोर नहीं होते हैं। ठीक, तो एक्सपायर होता है, एक्सपायर्ड नहीं होता है, कि वो सामान थोड़े कि वो एक्सपायर हो गया। या फिर मैडम ड्राइव्स अ बाईसाइकिल, भाई बाईसाइकिल कौन ड्राइव करता है, ड्राइव तो कार करते हैं ना, बाईसाइकिल को तो चलाते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे मैडम ड्राइव्स अ कार होता तो भी सही होता, बट यहाँ पे ये जो सेंटेंस है दोनों के दोनों, ये दोनों सेंटेंस सिमेंटिक के अकॉर्डिंग गलत हैं, क्या है, रॉन्ग है। अब हम देखते हैं प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है इज़ हाउ वी यूज़ लैंग्वेज, कि जैसे कि उस लैंग्वेज को हम किस अप्रोच से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आपके क्या थे, जो जो पूरा की पूरा आप कह सकते हैं क्वेश्चन में जो एक्सपेक्ट्स है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, वो पूरा एक्सपेक्ट है, जिसमें आपने फोर फोल्ड कमांड्स को पहले देखा LSRW के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपका फोनोलॉजी क्या होता है, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपका पूरा एक कंप्लीट आंसर है, जो आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से जाकर लिख कर आ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आंसर थोड़ा शॉर्ट है, तो आप इसमें और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे एक इंग्लिश ग्रामर और एक वोकैबलरी, ये दो चीज़ें भी हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के काफ़ी बार एक्सपेक्ट्स में देखने को मिलती हैं। इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर आपको पूरे के पूरे वर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर रूल्स की बात की जाती है, कि जो किसी रूल पर आधारित जो वाक्य हम बनाते हैं वही तो ग्रामर है, चाहे इंग्लिश ग्रामर। अब जैसे बाइंग मदर फॉर माई फ्रूट, ये आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ इनकरेक्ट है या चीज़ अपनी जगह स्थिर नहीं है। अब मैंने इसमें लिखा कि बाइंग फ्रूट्स फॉर माई मदर, मैं अपनी मम्मी के लिए जो है फ्रूट्स खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ, तो वो सेंटेंस करेक्ट है रेदर देन बाइंग मदर फॉर माई फ्रूट। ठीक, तो वो पढ़ने से ही हमको समझ में आए, तो ये ग्रामर है जहाँ पे सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। अब इसके बाद एक है वोकैबलरी। वोकैबलरी जिसको हम शब्दकोश कहते हैं, ये क्या होता है, सेट ऑफ लेक्सिकल आइटम्स इन अ लैंग्वेज, इट इज़ आल्सो नोन एज लेक्सिकॉन। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो आपकी वोकैबलरी है। वोकैबलरी भी दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वोकैब और एक पैसिव वोकैब। एक्टिव वोकैब वो होती है जिसको आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिव साइड है, जिसको आप अपने स्पीच में, बोलने में, राइटिंग में उसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। जबकि पैसिव वोकैबलरी वो होती है जिसको आपने पढ़ा है नॉवल में, किताबों में, बहुत
सारे ऐसे सेंटेंसेज हैं जो हमारे पैसिव वोकैब में होते हैं, जिनको हम कभी काल को यूज़ करते हैं, सुनते तो हमको पता है कि मतलब ये है, बट उसका यूज़ इंटरेक्शन के दौरान हम उतना नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ आपके पूरे के पूरे आंसर राइटिंग थी, जिसमें हमने एक्सपेक्ट्स को पूरे के पूरे जो इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपेक्ट है उसको हमने क्या किया है, कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमें कॉमेंट में करके बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।